मैं गौसेव रोहित सिंह गुर्जर स्वरूप नगर से हूँ, भारतीय नगर संघ टीम से। और बाकी रोहित जी, जो बीमारियों की बात कही जा रही है, क्या बीमारी है, इसके क्या लक्षण है और इलाज क्या है? ये लंपी वायरस बीमारी है। इसमें क्या है, गाय के हल्के के फोड़े उठते हैं और पैरों पर सूजन आती है और बुखार रहता है। नॉर्मली 103 104 के आसपास गाय को हर समय बुखार रहेगा और 4 से 5 दिन के अंदर गाय माता अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देती है और ये धीरे धीरे करके फोड़े जो बड़े होते जाते हैं और जो पूरे शरीर फैल जाते हैं, फैलने के बाद वहीं की वहीं खून फूटने के बाद इसमें से खून निकलने लगता है। उसके बाद गौ माता की डेथ हो जाती है, बचती नहीं है गौ माता, में शरीर त्याग देती हैं। कम से कम 100 से 150 गौ माता अभी तक दिल्ली के अंदर शरीर पर त्याग चुकी हैं और जो पहले एक NGO टीम है उसके द्वारा अंतिम संस्कार किया जा रहा है, अपनी संस्था के द्वारा वो लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं गौ माता का। ना तो सरकार से कोई उसे बेनिफिट है, ना कोई सरकार से कोई चीज़ मिल रही है, ना जैसी व्यवस्था है, ना कोई व्यवस्था है। उन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखी है लेकिन उसके अलावा कोई जवाब नहीं आया एप्लीकेशन। किस तरीके का बेनिफिट चाहते हैं आप सरकार से? बेनिफिट ये चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो गौ माता उनके JCP प्रोवाइड करी जाए गड़वाने के लिए और उनके लिए गाड़ी प्रोवाइड किया जाए, जैसे MCD ले जाती गाड़ी उठा के उस तरीके से एम्बुलेंस टाइप की एक व्यवस्था की जाए हमारे लिए कि जो गाय मृत हो रही है लंपी वायरस से उन्हें कहीं दफना गाड़ा जाए, रोड पे ना पड़ा फेंका जाए इस तरीके से। अगर बात करें लंपी वायरस की तो ये कितनी गाय है जो अभी तक इसी प्रभावित है? अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में कम से कम 500 से 600 गाय प्रभावित हैं इस चीज़ को और हमारे श्रीराम गौशाला नरेला में उपचार केंद्र खोल रखा है, वहाँ पे श्रीराम गौशाला है, वहाँ पे अलग व्यवस्था की गई 15-20 गाय हैं। और रॉकी भाई हमारे बबाना में, उन्होंने भी व्यवस्था कर रखी है अपनी गौशाला में। मन्नू भाई हैं सरसपुर से गौरक्षक हमारे, उन्होंने भी अपने पास 15 से 20 गाय हैं। और ये हमारे काफ़ी भाई हैं गौरक्षक भाई, जैसे हमारे दीपक टोकस भाई हैं मुखबिलपुर से, राकेश पंडित जी हमारे, और भी एम्बुलेंस चल रही है हमारी कामधेनु मंगल परिवार की एम्बुलेंस है। अभी जो आपने टीका लगाया, जो इलाज कर रहे हैं गाय का और आप बता रहे हैं कि इससे बचाव हो रहा है, तो ये तो सभी लोग कर सकते हैं, तो फिर गाय की मृत्यु कैसे हो रही है? जी ये गाय के सूट करने को भैया सूट पता लग गया, मैं जैसे गाय को दिक्कत है तो हमने दवा दे दी उसे डॉक्टर सलाह से, लेकिन उसके बाद जैसे गाय की जायज खराब हो उसके बाद कवर नहीं कर सकती इस चीज़ को, ना तो कुछ टीका है ना वैक्सीन आई है इसके अभी तक। इसका मान सकते हैं कि ये कोरोना से भी घातक बीमारी? कोरोना से भी घातक बीमारी बिल्कुल। कोरोना में इंसान को ये था कि ये बुखार और शरीर पर फफोदे और ये फूट नहीं रहे थे, जख्म नहीं हो रहे थे, गाय तड़प तड़प के मर रही थी, तड़प तड़प के बुरी तरीके तड़प के मर रही गाय एक तरीके से। तो क्या इंसानों में भी इसकी आशंका? इंसानों में कोई आशंका नहीं आई अभी तक, हमारे हमारे हमारी नज़र में कोई ऐसा केस नहीं आया इंसानों में हुई हो। हम भी पर डे इलाज कर रहे हैं, हमें भी कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखा, हम भी बुरी तरीके से इलाज कर रहे हैं गौ माता का। कल भी एक कॉल थी गौ माता की कृतक नंबर 2 से, उसे श्रीराम गौशाला नरेला भिजवाया एम्बुलेंस के द्वारा हमने। और बाकी कई कॉल आ रही है वहाँ पे, कई गौ माता ऐसी सर उन्होंने मृत हो चुकी हैं लंपी वायरस से। गाय का मतलब बुखार हो गया पहले दिन, फिर उसके बाद इन्हें खाना छोड़ दिया बिल्कुल। फिर मैंने डॉक्टर बुलाया एक सरकारी, वो कह लगे बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है राजस्थान में, फैल रही है सारे को आएगी बीमारी, बहुत ज़्यादा ध्यान देना। फिर लड़के ने, मेरा छोटा लड़का है विक्की नाम जलबोर्ड में, उसको ये सेवा करते हैं गौ माता की, क्या लगा मैं उसको बुलाता हूँ जो गौ माता की सेवा करे। उसके बाद ये ही सेवा कर रहा है कम से कम 12-13 दिन हो गए। क्या पहले से कुछ फर्क पड़ा है? हाँ बहुत रहा, मैं दूध निकालने लगी, अब चारा खा रही है। माता जी आप लोग गौ पालते हैं, हाँ कितनी गाय आपने पाल रखी है और इस तरह की जब दिक्कतें आती है तो क्या आप लोग के सामने ये होता है कि इतने पैसे लगा के पालन करने के बाद अब हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला? मतलब पहले तो रखी गाय का कोई थोड़ा बहुत हल्का बुखार होता है ठीक हो जाती और गायें थी। ये गायें अभी ले आई हूँ मैं, 2 महीने से गाँव से ले आई थी, अभी ये है कि बीमार होगी। अच्छा इसी का बड़ी बीमारी। जो लोग इलाज कराने के लिए जो लोग इलाज करने के लिए आ रहे हैं आपकी गाय का, हाँ वो लोग कुछ शुल्क भी लेते हैं आपसे? नहीं कुछ नहीं, कोई दवाई का कुछ नहीं, फ्री इलाज है, फ्री इलाज कर रहे हैं, फ्री इलाज कर रहे हैं। तो अभी माता जी अगर बात करें आपके जानकारी में यहाँ आसपास कितने गायों को इस तरह की दिक्कतें हैं? अब ज्यादा तो दिक्कत ज्यादा ही आ रही है, तो गायों में बहुत ज्यादा आ रही है दिक्कत। गीता शर्मा। गीता जी क्या दिक्कतें हो रही है गाय पालने में आप लोगों को, क्योंकि लगातार जो बीमारी आई है उसकी वजह से दिक्कतें हो रही है? देखो गाय तो हम काफी सालों से पाल रहे हैं और ये हमारे पास अब नई गाय आई थी 5-6 महीनों से, इसलिए इसको पहले बुखार वगैरह चढ़ा, फिर एक लंपी नाम की बीमारी हो गई, इसको कुंसियाँ हो गई बड़े बड़े, दिखाया तो इलाज करवाया इसका, पर इसका कोई ये लाइलाज बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी हमने इसको बहुत ज़्यादा इसकी केयर करी दिन रात, इसको हल्दी घी लगा के वो करा थे और 24 घंटे इसके आगे वो स्प्रे वगैरह डालते रहे माता के, जिसे इसे छोटी माता बड़ी माता भी कहते हैं। फिर उसके हमने पैसे भी बांधे, इस पर पानी भी वारते थे, हर तरीके का हम इसका इलाज करा, 24 घंटे हम इसके पास रहते थे।